हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप। और आज मैं आपको इस पर्टिकुलर सीरीज़ में और इस वीडियो में हेल्प करूँगी अगर आपको लग्जमबर्ग में इंटरव्यू क्रैक करना है। मैंने कुछ रिसेंटली इंटरव्यूज़ दिए और मैंने जैसा कि बताया था इस सीरीज़ में कि मुझे कुछ कंपनीज से ऑफ़र भी आ गए थे, बट हम लोग मूव इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी अदर रीजन्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर आज मैं आपको बेसिकली हेल्प करूंगी कि इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही सीरीज़ में जर्मनी के बारे में भी बनाने वाली हूं, बट बिकॉज़ लग्जमबर्ग में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो बिना घुस टाइम वेस्ट करे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू इंडिया से होता है या आप लग्जमबर्ग में बैठ के ही इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी यूरोपियन देश से लग्जमबर्ग मूव कर रहे हैं, इंटरव्यू में क्या डूज एंड डोंट्स हैं वो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर आप जर्मनी में इंटरेस्टेड हो तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाए जिसमें बेसिकली मेरा ही जो एक्सपीरियंस था मैंने आप लोगों को बताया है और वो काफ़ी लोगों को हेल्प भी करा है। अब बिकॉज सिमिलर एक्सपीरियंस मैंने लग्जमबर्ग के बारे में फ़ेस किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूँ। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो लग्जमबर्ग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ शेयर करो ये वीडियो। तो सबसे पहले पहली बात करते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लग्जमबर्ग के बारे में। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता चली जाएंगी जो ये प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये स्पेसिफिक इंटरव्यू वाला वीडियो जो है वो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस करा वो सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है ऑनलाइन या फेस टू फेस, ठीक है, वो चाहे आप इंडिया से कर रहे हो इंटरव्यू या फिर आप जो है वो शेड्यूल कर रहे हो यहीं लग्जमबर्ग बैठ के या यूरोपियन कंट्री में कहीं पर कर रहे हो, इन एनी केस अगर आपको वो लोग जो भेजते हैं कि टाइम शेड्यूल कि दिस इज़ द टाइम, इस टाइम पे आपको अवेलेबल होना है, अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो, बिज़ी हो, समहाउ आप अपना 100% नहीं देते हो, तो इट्स ओके टू से दैट कि यार रीशेड्यूल कर दो। बेसिकली मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें तो वो लोग कैलेंडर भेज देते हैं, कैलेंडर में उनका जो भी फ्री टाइम होता है वो मुझे दिख जाता है और बेस्ड ऑन मेरे फ्री टाइम पे मैं जो है वो बुक कर लेती हूँ स्लॉट, एक घंटे का, दो घंटे का, डिपेंड ऑन इंटरव्यूज़। तो आप भी वही टाइम शेड्यूल जो है वो बुक करो या फिर बुक करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी हो इंटरव्यू देने के लिए और आप 100% दे पाओ। सबसे पहला पॉइंट इसलिए मैंने ये बोला क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हाउ यू अपीयर इन द इंटरव्यू। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मोस्ट, अदर थिंग इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जैसे ही आपका रिज्यूमे या कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर सिलेक्ट हो गया और रिक्रूटर से आपको ईमेल आया कि वी वॉन्ट टू शेड्यूल एन इंटरव्यू, ऑनलाइन इंटरव्यू, अब आप किसी भी लोकेशन पे बैठे हुए हो और आपको उनको शेड्यूल करना है इंटरव्यू, तो वो बेसिकली इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद ही आपको लिंक भेजेंगे, बेसिकली जो भी गूगल लिंक है या फिर टीम्स की लिंक है जिसमें आपको वो सारी डिटेल्स ईमेल में भेजेंगे और उस ईमेल में वो ये भी भेजेंगे कि रिक्रूटर्स जो हैं वो कौन कौन हैं। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ, ये सेकेंड पॉइंट ये है कि रिक्रूटर के बारे में रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरव्यू से पहले, एंड ऑल्सो कंपनी के बारे में रिसर्च करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी स्ट्रैटेजी जब भी मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ, सबसे पहले मैं जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो पैनल इंटरव्यूअर्स होते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही रिसर्च कर लेती हूँ सो दैट कि मुझे कोई शॉकिंग चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पर पता ना चले। एंड दूसरी चीज़, कंपनी के बारे में भी मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, उससे मुझे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मुझे कंपनी के कल्चर के बारे में पता चल जाता है, ये पता चल जाता है कि कंपनी इन जनरल कैसी है, किस चीज़ों को प्रमोट करती है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, इन कंपनी में जनरल जो वर्क कल्चर है वो कैसा है, वो सब कुछ लिंक्डइन में आपको पता चल जाएगा, लिंक्डइन में आप देख सकते हो। और उससे मुझे एक चीज़ और पता चलती है कि इंटरव्यू में मैं कैसे ड्रेस करूँ, तो ड्रेस
अकॉर्डिंगली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हो उसमें उसी तरीके से ड्रेस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, लग्जमबर्ग में अमेज़ॉन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, और अमेज़ॉन में एज सच ड्रेस कोड नहीं होता मेरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। लाइक अगर मैं फैशन, रिटेल, अपैरल, क्लोथिंग, वेंडर मैनेजमेंट की बात करूँ, लेकिन अगर मैं बिजनेस पर्सन की बात करूँ जो बिज़नेस प्रोफाइल्स हैंडल कर रहे हैं, मे बी एंड आई डोंट नो, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, उन लोगों को शायद बहुत ज़्यादा फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ेंगे। बट मेरे केस में मुझे फॉर्मल कपड़े पहनने का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अफकोर्स मुझे अकॉर्डिंगली ड्रेस होना है, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मुझे जो है वो एकदम फॉर्मल पहन के जाना है। इन केस आपको कंपनी प्रोफाइल देख के भी पता ना चले और आपका इंटरव्यू है, देन आस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम अ रिक्रूटर कि ड्रेस कोड क्या है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे फॉर्मल्स पहन के जाना है या मैं कैजुअल्स पहन के भी जा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह मेरा इंटरव्यू हुआ था एंड वहाँ पर मतलब वो इतना कैजुअल काइंड ऑफ कंपनी थी कि वहाँ पर मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही मैंने इंटरव्यू दे दिया था एंड इट वॉज ऑल ओके। मे बी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो फॉर्मल काइंड ऑफ थिंग जो था वो वैलिड नहीं था। तो ऐसे ही आपका भी केस हो सकता है कि मे बी फॉर्मल काइंड ऑफ केस जो है वो रेलिवेंट हो आपके लिए और मेरे वाला केस जो है वो इररेलीवेंट हो। तो ये चीज़ें बिल्कुल बैकग्राउंड स्टडी कर लेना कि जो कंपनी है उसमें किस तरीके से आपको जाना है। देन ऑफकोर्स, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दोगे, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस आपके लिए आ सकते हैं और उस क्वेश्चंस को आपको कैसे आंसर करना है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है, और यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें से जैसे लग्जमबर्ग हो गया, आई नो जर्मनी, नीदरलैंड, ये कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ट्रस्ट फैक्टर पे वर्क करती है। तो अगर आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे आंसर के लिए तो आप बहुत ज़्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल जो है वो शेयर करोगे या ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस में जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो शेयर करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपसे पूछा, इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि यार आपके मैनेजर की ऐसी कौन सी तीन चीज़ होगी वो आपके लिए पॉजिटिव बोलेगा, एंड आपको विद अ स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ अ वे आपको अपने तीन जो हैं वो स्ट्रेंथ्स बताने होंगे यहाँ पर। सेम थिंग अगर कोई नेगेटिव जैसे पूछेंगे कि यार आपका मैनेजर क्या बताएगा अगर उन्हें बताना होगा कि इसको जो है वो इम्प्रूव करना है दो चीज़ या एक चीज़, तो स्टोरी वे में आपको ये बताना पड़ेगा कि यार दो मेरी वीकनेस क्या है और उस पर मैं क्या काम कर रहा हूँ, या वीकनेस को मैं स्ट्रेंथ्स में क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये तो सारे फंडे हो गए जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं पहले से, बट यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ट्रस्ट एंड ऑफकोर्स लॉयल्टी कि आप किस तरीके से आंसर कर रहे हो, एंड ऑल्सो आपने जो काम किया है आप सेम चीज़ वहाँ पर बता रहे हो। कभी कभी आपको एग्जाम्पल्स देने होते हैं तो ऐसा ना हो कि आप कुछ बता रहे हो और वो रेलेवेंट ना हो और आप फंस जाओ। तो यू शुड बी रेडी, मतलब ऐसे ही नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन पूछते हैं या काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू द कंपनी जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या कर चुके हो। अगेन, आपके एक्सपीरियंस और उस एक्सपीरियंस में जो भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा। द वन थिंग विच आई टोल्ड यू अबाउट लॉयल्टी, लग्जमबर्ग में लॉयल्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपसे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि कोई पूछेगा कि यार ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई जब आपके मैनेजर के साथ आपकी बिल्कुल भी बात जो है वो सहमति में नहीं आई एंड आपने उसको कैसे टैकल किया, डोंट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन और अबाउट योर मैनेजर, ये बहुत ही नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। जस्ट थिंक अबाउट एग्जाम्पल जहाँ पर आप जो है वो अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट कर सको, सेम टाइम पे आप जो है वो ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर अपने मैनेजर पे कोई भी नेगेटिव बातें ना करो, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एंड ये चीज़ भी नोट डाउन कर लो अपने इंटरव्यू के लिए।
टाइम हो गया, बी ऑन टाइम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. लाइक कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर जर्मन कल्चर है, जैसे लग्जमबर्ग में भी है जर्मन कल्चर, वहाँ टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. टाइम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो मैं तो हमेशा ये करती हूँ, जैसे मेरा कोई ऑनलाइन इंटरव्यू है तो मैं 20-25 मिनट पहले रेडी होके सारी टेक्निकल चीज़ें चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं. इन केस अगर आपको कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से आप कुछ मिनट्स लेट हो या आप नहीं जा पा रहे हो, तो पहले ही कम्युनिकेट कर लो, तो वो नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं देगा. लेकिन अगर आप पहले से कम्युनिकेट नहीं करते हो और अगर आप एक मिनट भी लेट जो है वो अपीयर होते हो, तो ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. ये केस जो होता है ये ऑनलाइन के लिए भी, और अगर फेस टू फेस इंटरव्यू हो तो भी आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले, तो जैसे अगर आपका 12 बजे शेड्यूल है इंटरव्यू, तो 11:45 पे आपको वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जगह मुझे इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पर जो बिल्डिंग का रिसेप्शन वाला एरिया था वो डिफरेंट था, और मैं अलग साइड से घुस गई थी और मुझे उसे फिगर आउट करने में ही बहुत टाइम लग गया था. द अदर साइड से मुझे जाना था तो मुझे बहुत टाइम लग गया, तो 15-20 मिनट्स जो है वो ऐसे ही मेरे जो है वो लूज़ हो गए. तो सही टाइम पर पहुँचना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देन अदर थिंग, जितने भी कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आप हायरिंग मैनेजर के साथ होंगे, उसे अगर आप, जैसे मैं सेल्स पर्सन हूँ या फिर मैं नंबर्स में बात करती हूँ, तो जस्ट ट्राई टू गिव एन एग्जांपल इन नंबर्स. आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप क्या काम कर रहे हो, बट ट्राई टू गिव दोज एग्जांपल्स जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट लगे या एक्चुअल लगे. एक और आंसर, जैसे मैं जर्मनी से लग्जमबर्ग के लिए जो है वो जॉब्स देती हूँ, तो मेरे से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हें क्यों मूव करना है लग्जमबर्ग, तो इसके भी आंसर आपको होने चाहिए, और बहुत ही एक्चुअल आंसर होना चाहिए, या तो रिलेटेड टू कंपनी, कि आप उस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या रिलेटेड टू दैट प्रोफाइल जिसके लिए आप बहुत मोटिवेटेड हो, ये आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए. इंडिया से जब आप मूव करोगे तो आपके आंसर्स और ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए कि आप क्यों मूव करना चाहते हो. और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एज ए एग्जाम्पल्स बताऊँ आगे वाले कुछ वीडियोस में, तो कमेंट ज़रूर करना और मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से जो है उसको आंसर कर सकते हो, कि आप क्यों मूव करना चाहते हो इंडिया से लग्जमबर्ग. या आपके पास ऑलरेडी आंसर है, कुछ अच्छे आंसर्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट करो. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग या आपका नोटिस पीरियड कितना है, वो भी आपके पास रेडी होना चाहिए, और आपको एग्जैक्ट डेट उन्हें पहले से ही पता होनी चाहिए कि आप कब जो है वो ज्वाइन करोगे. जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हो उतना अच्छा होता है यहाँ पर, बट यहाँ 3 मंथ्स जो है वो नोटिस पीरियड एकदम नॉर्मल होता है. लग्जमबर्ग में कुछ कंपनीज का 1 महीने भी होता है, बट 3 महीने जो है वो नॉर्मल होता है. तो अगर आप 3 महीने में ज्वाइन करते हो तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है. तो आप बता सकते हो कि मेरा नोटिस पीरियड जो है वो 3 मंथ्स का है. एक्चुअली इंडिया में 1 महीने का ही होता है शायद, आई डोंट नो कितना होता है, आप ज़रूर कमेंट करना, बट 3 महीने यहाँ का जो है वो स्टैंडर्ड है. तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए भी आपको रेडी होना होगा आंसर देने के लिए कि कब आप ज्वाइन कर सकते हो. एक जो मैं बोल सकती हूँ कि बोनस टिप है आप लोगों के लिए, कि जब आप इंटरव्यू देकर जाने वाले होते होगे, तो रिक्रूटर हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस. डोंट लीव इट कि यार आई डोंट हैव एनी थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी लेटर ऑन मैं आपसे पूछ लूँगी. नो, डोंट डू दिस. इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग कि अगर आप लास्ट में रिक्रूटर को बोलने पे मजबूर करते हो पॉजिटिव चीज़, तो वो पूरा इंटरव्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. दैट्स अ साइकोलॉजिकल मोर ऑफ अ इंटरव्यू प्रोसेस काइंड ऑफ अ थिंग. तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन पूछोगे, यार what do you like the most about this company or working with this company or how is the working culture of this company, तो ये चीज़ जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे अपने कंपनी के बारे में, अबाउट देम, जो उनको बहुत अच्छा फील होगा. बेसिकली जब आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ बताते हो तो आपको अच्छा फील होता है, उनको भी जब वो आप ख़त्म कर रहे हो तो अच्छा फील होगा, दैट मीन्स वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. तो ये एक बोनस टिप है. तो हमेशा जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, या तो पहले से नोट डाउन कर लो और वो पूछ लो, नहीं है तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए. इसके अलावा एक और बोनस टिप, कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पर यूरोपियन देश में चीज़ें जो हैं वो मिस्ड आउट हो जाती है, टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको कोई भी आंसर नहीं आता.
इन दैट केस कभी कभी तो जब आपका इंटरव्यू होता है तभी बता दिया जाता है कि आपको एक हफ्ते में हम बता देंगे या दो हफ्ते में बता देंगे या इट विल टेक सम टाइम, ये बोल देते हैं। बट दो हफ्ते में हमेशा फॉलो अप करो। एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, रिसेंटली मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था और 3 वीक हो गए थे और कुछ आंसर नहीं आया था और मुझे लगा कि शायद दे हैव नॉट सिलेक्टेड मी, दैट्स वाई उनका कोई आंसर नहीं आया। बट मैंने फिर भी सोचा कि चलो फॉलो अप कर लेती हूँ। मैंने फॉलो अप मेल जो है वो डाला एंड इमीडिएटली उनने कुछ रीजंस बताए कि यार ये छुट्टियों का टाइम है और सिक टाइम है, लोग बीमार हैं, इस वजह से हम लोग इंटरव्यू शेड्यूल नहीं कर पाए, लेकिन हम एज सून एज पॉसिबल जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। तो फॉलो अप जो है वो भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है। तो जस्ट गिव देम सम टाइम, एटलीस्ट 1 से 2 वीक जो है वो टाइम दो, या फिर उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया है उतना टाइम दो, उसके बाद आप फॉलो करो, फॉलो अप करो, क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो फॉलो अप करना। तो ये थे इंटरव्यू टिप्स अगर आपको क्रैक करना है लग्जमबर्ग में जॉब्स। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका रिज्यूमे राइटिंग एंड कवर लेटर राइटिंग एंड आप कैसे अपीयर होते हो इंटरव्यू के सामने। और भी कुछ जानना चाहते हो इससे रिलेटेड या आपको एक वीडियो चाहिए अबाउट रिज्यूमे राइटिंग या मेरा रिज्यूमे जो है वो ही देखना चाहते हो, देखना चाहते हो उसमें क्या है क्या नहीं, या कवर लेटर में कैसे लिख के भेजती हूँ ताकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटर के जो है वो कॉल आए फॉर एन इंटरव्यू, तो प्लीज़ 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 कमेंट करना। मैं बहुत ही जल्दी अरेंज करूंगी ये वाला पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैं रिज्यूमे राइटिंग एंड कवर लेटर राइटिंग जो है वो आपको सिखाऊंगी। और जर्मनी से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए और मैं कुछ इंटरव्यूज जो है वो जर्मनी के लिए भी दे रही हूँ, तो उसके बारे में भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी कि मेरी क्या एक्सपीरियंस था और वो आपको क्या हेल्प करेगा। बट ये टॉप चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो लग्जमबर्ग में। एंड होप दिस हेल्प। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।